जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रऊफ क्लासरा और आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आपके साथ जो बड़ी खबर आज मैं शेयर करने वाला हूँ, आपको पता है इस्लामाबाद जो है हुक्मरानों का शहर है। रोज़ाना यहाँ पे कोई ना कोई गॉसिप, कोई ना कोई कंस्पिरेसी, कोई थ्योरीज इस तरह की चलती रहती हैं, जोड़ तोड़। ये पिछले कोई 20-22 साल से मैं यही यहाँ पर आप इसको कह लें सियासी तमाशा जो हम देखते रहते हैं। अब की दफ़ा ये जो सारी ये स्टोरीज़ हैं या गॉसिप्स आप इनको कह लें, सोफर गॉसिप्स ही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कुछ ना कुछ हमें वो कहते हैं जहाँ पर आपको धुआं नज़र आ रहा हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है। तो जो धुआं सियासी तौर पर धुआं में नज़र आ रहा है वो बड़ा इंतहाई मेरा ख्याल इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बड़ा आके चैलेंजिंग बनता जा रहा है। वो ये है कि खबरें यहाँ पे बड़ी ये चलना शुरू हो गई कि शायद इमरान खान साहब जो हैं जो यहाँ पावरफुल हल्के हैं या पोलिटिकल पार्टी जो हैं उनका एतमाद बड़ी तेज़ी से खोते जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये कि शायद मामला जो है ना नहीं चल पा रहे जो पावरफुल यहाँ पर पार्टीज़ हैं या लोग हैं या सियासी अलाइंसेज हैं, अब वो ओपनली सामने आना शुरू हो गए। अगरचि पंजाब की हद तक इमरान खान साहब ने तो बड़ा मैनेज कर लिया था जब उन्होंने अपने तीन वज़ीरों को ये केपी में उन्होंने आगे बरतरफ किया और उनको फिर जाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ के माफ़ी तलाफी करने के लिए आतिफ खां और उनके साथ जो दीगर ग्रुप था। उसके बाद पंजाब की हद तक तो वक्ती तौर पर तो खामोशी हो गई, लेकिन पंजाब से अभी भी जो पावरफुल आवाज़ें आ रही हैं वो उनकी पार्टी के अंदर तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी उसमें खामोशी आई है। जो ग्रुप बनाया था उन्होंने बुज़ार साहब का एक बना था ग्रुप बना था वो 20-25 लोग थे वो तो खामोश हो गए हैं, लेकिन जो चौधरी परवेज अली साहब हैं और चौधरी ये शुजात साहब जो हैं वो ऐसा ऐसा ज़्यादा वोकल होना शुरू हो गए हैं। और साथ में ये भी आ रहे हैं कि ये जो आपको फरवरी का महीना है और मार्च इसमें अगेन मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो दोबारा उनको स्पॉन्सर किया जाए, दोबारा वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लें और इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा करें, मुश्किल पैदा करें और फोर्स किया जाए खान साहब जो है ना वो क्यों आके इस्तीफ़ा देने की उनसे की जाए। अब जो असल खेल उसमें शुरू हो रहा है, हमें ये फील होता था जब यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब आए थे कि शायद अगेन जैसे होता है कि इतना बड़ा क्राउड, इतने बड़े लोग आए हैं, इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, सब कुछ तकरीरें भी हो रही हैं, तो किसी अब उसमें जब तक कोई पावरफुल लोगों की इनको ब्लेसिंग ना हो तो इस्लामाबाद नहीं आ सकते। बाद में ये बात खुलना शुरू हुई कि शायद पावरफुल हल्कों की तो ब्लेसिंग हो या ना हो उसके पीछे चौधरी साहबान जो हैं, चौधरी परवेज अली साहब या शुजात साहब जो हैं वो बातें खुलना शुरू, इंटरव्यूज़ हमने देखे कि वो उसमें शामिल थे, वो मिलना मिलाना उनका शुरू हो गया, आना जाना शुरू हो गया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आपको याद होगा टीवी पे उन्होंने यक के बाद देख रहे चौधरी परवेज अली साहब के बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए और इमरान खान साहब को बहुत उन्होंने हिट करना शुरू किया। सबसे बड़ा हिट किया था उन्होंने कहा जी हमारे बंदे हैं जो ले कर बैठे हुए हैं और इनको जनरल शुजा पाशा साहब जो हैं उन्होंने सारे हमारे बंदे हमारे तोड़ के इनको दे दिए थे कि आप ले जाएँ और आप जाएँ और हुकूमत बनाएँ या उससे इलेक्शन लड़ें। सो बड़ा डायरेक्ट अटैक किया था जो उन्होंने आप कह सकते हैं साबिक DGISI पे और इमरान खान साहब पे किया और इमरान खान साहब उसमें बिल्कुल चुप रहे थे। अगर आपको याद हो वो जो 15 दिन थे यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब बैठे और इमरान खान साहब पे बड़े उन्होंने अटैक किए, न्याजी का नावारा उन्होंने ले के बार बार बड़े इंसल्टिंग किस्म के नारे उन्होंने याद किए जो चलते रहे पूरी कौम ने देखे। खान साहब वो 15 दिन हमें बिल्कुल नज़र नहीं है, किसी ने उनको मशवरा दिया होगा कि आप बैठें और चुप करके इनको जाने दें या इनकी स्टीम जो है वो निकलने दें। अब चौधरी साहबान का जो पहला वार था जो उन्होंने आके उन्होंने किया था नवंबर के बाद आन वर्ल्ड किया, उसके बाद पेस बढ़ी, फिर कोई मुलाकातें हुई यहाँ पर उनकी इमरान खान साहब से मुँह ने सिलाई से हुई और बाद में हमने देखा मामला पंजाब की हद तक ज़्यादा गड़बड़ भी होने लगी और शायद ये बातें में कि नवाज शरीफ साहब के ये उनका कैंप जो है उसके साथ भी परवेज अली साहब के और शुजात वगैरह के रबते बढ़ना शुरू हो गए। और मुझे ये ज़्यादा तौर पर पता है कि इमरान खान साहब इस बात बड़े नाराज़ थे कि आप जो हैं वहाँ पर प्रोडक्शन आर्डर जारी कर रहे हैं हमजा शहबाज के कर रहे हैं और दीगर लोग हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपका रवैया उनके साथ बड़ा अच्छा है, तो खान साहब को लगना शुरू हो गया था कि शायद चौधरी परवेज अली साहब और उनका कैंप उनको ब्लैकमेल करने के लिए शायद वो नवाज शरीफ साहब के साथ मिलना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब का एक है कि जो भी उन पर थोड़ा सा दबाव डाले उस पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती हैं वो उसको ब्लैकमेलिंग के तौर पर लेते हैं, वो उसको सियासी मूव नहीं समझते। सो उनके जहन में ये होता है ये बंदा मुझे ब्लैकमेल करना चाहते और मैंने ब्लैकमेल यहाँ पर नहीं होना। सो चौधरी साहबान ने मुख्तलिफ इस पर टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं खान साहब पर। अगेन हमें लगता था कि वक्ती तौर पर कि शायद कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है, चौधरीयों के पीछे है या मौलाना साहब के पीछे है तो इमरान खान साहब को थोड़ा सा कुछ धचका वगैरह धक्का तो वो नहीं देंगे पूरा अभी क्योंकि अल्टरनेट ही नहीं है। वो थोड़ा सा वो ये चाह रहे होंगे कि थोड़ा सा इमरान खान साहब को मैसेज दिया जाए कि हजूर कुछ अपने पैरों पर खड़ा हूँ, कुछ अपने अलाइज के साथ बातचीत करें, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करने की कोशिश करें। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब का कोई भी क्राइसिस आया, कोई भी मसला है मीडिया के साथ, अगर मीडिया को फिक्स करना है, अगर अलाइज को फिक्स करना है, अपोजिशन को फिक्स करना है तो नैब को वो इस्तेमाल करवाते थे, वो इसके सीक्रेट एजेंसीज को इस्तेमाल करवाते थे, इवन एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने मीडिया हैंडलिंग के रहे कि जो भी उनको एंकर्स लगते थे या TV चैनल्स लगते थे या सहाफ़ी लगते थे उनको भी टाइट कराने के लिए वो वही कहते थे, पिंडी वाले दोस्तों को कहते थे ज़रा फलां को टाइट करें, फलां को अब ज़रा ठीक कर। सो सारा काम उन्होंने वहाँ पर एक तरह का उन्हें सबलेट कर दिया था। पैसे चाहिए थे जनरल बाजवा साहब वो UAE
जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वो पैसे इकट्ठे करके ला रहे हैं, बिजनेस मैन से मुलाकातें करनी, अतमाद बहाल करने, तो भी जनरल ये बाजवा साहब हैं वही कर रहे हैं। सो इमरान खान साहब जो हैं जो यहाँ बैठे थे उनके बारे में यहाँ पे ये मशहूर है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस्ड हैं कि सोशल मीडिया हमने कैसे हैंडलिंग करनी है, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। लिहाजा आपको याद होगा ब्लॉगर्स का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ भी मुलाकातें की और उन्होंने कहा जनाब जैसे मरियम नवाज़ साहबा वो करती थी आपको पढ़ जाना चाहिए और आपके जो मतलब मुखालफीन हैं हुकूमत के उनके आप ऐसी तैसी करते हैं। और फिर उन्होंने यूट्यूब के हवाले से भी कुछ फैसले किए, कुछ दीकर भी किए और आपको अचानक नज़र आना शुरू हो गया कि सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ गई। उनका एक ही है कि उनके जहन में बैठा हुआ कि मुझे जो भी हुकूमत मिली है जो मैंने यहाँ पर सपोर्ट आके जनरेट किया सोशल मीडिया की वजह से मिले, लिहाजा उनका मैक्सिमम रोज़ की 3-4 मीटिंग्स उनकी हो रही होती है सोशल मीडिया के साथ हो रही हैं। उसके बाद उनके आप देख रहे हैं उनकी अपनी कोर कमेटी के साथ हो रही है, मीडिया के तर्जमान हैं उनके साथ हो रही हैं। सो सारा दिन ये एक्टिविटी चलती रहती है। अब जो पावरफुल हल्के हैं वो सोच रहे हैं कि चलें ये भी ज़रूर करें अपने मुखालफी को टाइट करने के लिए, लेकिन कुछ काम आप भी तो उस पर डिलीवर करके दिखें। अब ये था आपको जो विजिबल साइन नज़र आ रहे हैं कि उसमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं कि चौधरी परवेज अली साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की थी उनकी शख्सियत के बारे में जो उनको पसंद नहीं थी और उन्होंने जो बातें आके उस पर उन्होंने बाज़ ये जर्नलिस्ट के साथ शेयर भी किया, इमरान खान ने मेरी ज़ात मेरे फेस के हवाले से कुछ ऐसी बातें की नहीं करनी चाहिए थी। मुने सिलाई ने भी ये बात की जी मुझे इमरान खान साहब मुझे नहीं पसंद करते। अब जो ये लेटेस्ट हमने देखा है जो परवेज अली साहब ने वार किया है उन्होंने पंजाब असम्बली में एक इनके हमारे सिख भाई हैं तो उन्होंने खड़े होकर करतारपुर का क्रेडिट जो है ना इमरान खान साहब को देने की कोशिश की, उस पर वो भड़क उठे, उस पर परवेज अली साहब वो क्लिप आपने देखा होगा, उन्होंने सारा जो क्रेडिट जो है जनरल बाजवा साहब को दिया और इमरान खान साहब को बिल्कुल उसमें से उन्होंने वो कहते ना एक साइड पर कर दिया, जिससे बड़ा एक विजिबल लग रहा है कि ये धड़ा बन चुका है पावरफुल है और ये जो हैं अब इतनी आसानी से चीज़ें मुझे ये ब्रिज होते नहीं लगेंगी। इसलिए हमने फवाद चौधरी साहब का कौमी असम्बली में कह रहे थे कि जनाब के नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमें ख्वाजा आसिफ जो है वो वज़ीर आज़म बनने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा ऐसा बातें होना शुरू हो गया। ख्वाजा आसिफ ने आपको याद होगा कहा था कि जनाब के आपको नहीं पता हमें पता है, या इलेक्शन होंगे हमारी मर्ज़ी से होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, उन्होंने एक तकरीर की थी। इमरान खान साहब का जो है उन्होंने कोशिश की है लेकिन उनकी जो हैंडलिंग है मेरा ख्याल है अलाइज़ के साथ वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं समझता हूँ जो चौधरी साहब उनसे लेना चाहते हैं वो नहीं देना चाहते, वो बात भी उनकी बड़ी हद तक ठीक है कि ना वो चाहते हैं कि पंजाब में पूरा ये ब्यूरोक्रेसी हमारे कंट्रोल में, हमारे और मज़ीद वज़ीर लाए जाएँ, हमें खुली छुट्टी होनी चाहिए मार धाड़ की, हमें यहाँ पे फेडरल हुकूमत मुने सिलाई को लेकर मुनस पे जिस पे अच्छा खासे बड़े स्कैंडल थे सो वहाँ तक तो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ। लेकिन चौधरी फिर ये भी तो कहते हैं कि भाई साहब बाकी जो स्कैंडल वाले वजीर बैठे हुए हैं उनको साथ बिठाया हुआ है, मेरे बेटे पे मुने सिलाई पे आपको तकलीफ हो जाती है कि इसको मैं आके नहीं बनाता। अब चौधरी साहबान ने जो अनलीश किया है उन्होंने मीडिया अनलीश किया है, उनके मीडिया में बड़े उनके ताकतवर उनके दोस्तियाँ हैं तलुकात वो सबसे बना के रखते हैं। इमरान खान साहब ने क्या काम किया है, जो तलुकात 22 साल इन्होंने बनाए थे वो तलुकात इन्होंने 22 दिनों में ख़राब किए हैं। ये फ़र्क है उनके नज़दीक सिर्फ सोशल मीडिया के ट्वीट किए जाओ, लोगों के साथ आपका जो अपना बैठा हुआ है कुछ लोग हैं मुखालफीन की आप उनकी ऐसी तैसी करवा दो आपका ख्याल है काम पूरा हो गया। चौधरी साहबान आप देखेंगे कि उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन भी जनरेट की है, उन्होंने अब उनके मीडिया में जो सिंपथाइज़र हैं वो सामने आ रहे हैं। खान साहब ने इन 18 महीनों में जो सबसे बड़ा अपना मेरा ख्याल है नुकसान किया है कि वो मीडिया जो उनको यहाँ तक लाया था जिसने आके कह सकते पॉलिटिशियंस को या उस पॉलिटिकल रूलर्स को उन्होंने एक्सपोज किया था, इन्होंने उनको अपना ही मुखालिफ बना लिया। कैसे मुखालिफ बनाया कि जिसने भी थोड़ी सी आके तनकीद की कोई आके बात की जो एक मीडिया का काम है तो इन्होंने बैठ के उन्होंने उनके खिलाफ अपने मीडिया ग्लैडिएटर्स जो थे सोशल मीडिया के वो छोड़ दिए, उसके बाद मिनिस्टर्स ने उनकी बैशिंग शुरू कर दी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्शन लेने शुरू कर दिए, उन्होंने मीडिया पे बैठ के पाबंदियां लगाना शुरू कर, लंबी डिटेल है आपको सारा पता है। सो इस वक्त हो ये रहा है कि अलाइज़ को पता है कि दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्ट्राइक इमरान खान, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके तलुकात इस तरह नहीं रहे जब से नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों की ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं, बाकी लोगों को भी अब आप देखते हैं रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं, उस अब इमरान खान साहब ये सुना है वो उस पर कोई अगर ज़्यादा खुश नहीं है, वो ये भी समझते हैं कि चौधरी परवेज अली साहब और कंपनी जिस तरीके से उन पर अटैक कर रहे हैं ये भी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि उसको रोकें, मतलब वो ये है कि सारी चीज़ें हैंडल करे एस्टेब्लिशमेंट करे। सो एक यहाँ कोऑर्डिनेटेड सी एफर्ट आपको नज़र आती हैं। अगर इमरान खान साहब के हाथ से पंजाब निकलता है तो ये बात तय है कि सेंटर में अपनी हुकूमत बरकरार नहीं रख सकेंगे, क्योंकि पंजाब जो है वहाँ पे जिस तरीके का आपके एमएनएस जितने भी हैं सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए तो वहाँ पे वो इसको इनके साथ नहीं बैठ सकेंगे, वो इनके साथ नहीं चल सकेंगे। सो इमरान खान से हुकूमत जो है वो बड़ी मुश्किलात का इस वक्त शिकार लग रही है और आपको कोई ऑन ग्राउंड
कुछ ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। महंगाई की वजह से जितने लोग यहाँ पे मेरा ख्याल तंग आए हुए हैं, खान साहब को उसका भी अंदाज़ा है, और लेकिन उनके पास इस वक्त बात सिवा लफ्ज़ों के कुछ चीज़ें नहीं है। स्कैंडल जाएँ चीनी का, गैस का, वीट का, और उसको मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छे तरीके से कन्फ्रंट कर सकें या उसके बारे में कोई बता सकें। बहरहाल इस्लामाबाद एक दफ़ा फिर एक पोलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से हॉट होता जा रहा है, और इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है ये फरवरी मार्च जो है ये बड़े चैलेंजिंग मंथ्स हो सकते हैं।